अगर किसी सैनिक के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगा दी जाए जो उसे बारूदी सुरंगों और घात लगाए दुश्मन की जानकारी सेकंड के 300वें हिस्से में दे दे तो क्या होगा? अगर सैनिकों के दिमाग को ही रिमोट कंट्रोल बना दिया जाए और वो आंखों के इशारे से ड्रोन से मिसाइलें दागने लगे तो? अभी तक तो यह विषय हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित था, जो अब सच्चाई बनने जा रहा है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना के दम पर महाशक्ति बनने का सपना देख रहा अब धरती पर सबसे बड़ी खुराफात करने में जुटा है। हर विचार, हर खुराफात इंसान के दिमाग में ही पैदा होती है, लेकिन चीन अब इंसानी दिमाग के साथ ही खुराफात करने में जुटा है। वो ऐसे कंप्यूटर चिप बनाने में जुटा है जिसकी मदद से किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है और दिमाग को बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर जितना तेज भी बनाया जा सकता है। इस तकनीक को नाम दिया गया है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स चलते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस हुई कि चलिए इन सिग्नल्स को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया जाए, तो इसलिए ब्रेन कंप्यूटर मैपिंग की टेक्नोलॉजी विकसित हुई। पहले तो उस पर बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट हुए जानवरों पर और फिर मिड 90s में इंसानों पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट होने लग गए। यानी कि आपके मस्तिष्क में कुछ इम्प्लांट किया जाता है और वो इम्प्लांट का तात्पर्य ये होता है कि आपके मस्तिष्क में जो सिग्नल चल रहे हैं उसको वो एकत्रित करें और उन सिग्नल के माध्यम से कंप्यूटर तक भेजे ताकि कंप्यूटर उसको एक रीडेबल कमांड के तौर पर समझ पाए और उसको अमल कर सके। तो मसलन अगर आपने अपने आपके यहाँ कोई डिस्क लगी हुई है या चिप लगी हुई है और आपने अपने मस्तिष्क में कहा कि मुझे ये उठाना है, तो वो जो आपने संदेश अपने दिमाग को दिया वो दिमाग का संदेश उस चिप ने पढ़ के कंप्यूटर को ट्रांसमिट किया, कंप्यूटर ने उसको पढ़ लिया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का जो प्रयोग चीन कर रहा है वो ऊपर से देखने में वैसा ही है जिसका ऐलान वर्ष 2016 में अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क ने किया था। एलन मस्क ने न्यूरा लिंक नाम की एक कंपनी भी बनाई जो बंदरों और सुअर के ब्रेन में चिप लगाने में सफल हो चुकी है। बीमारियों के इलाज के नाम पर वर्ष 2016 में ही चीन ने ब्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया था। अल्जाइमर, मिर्गी और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ऐसे प्रयोग कई देशों में चल रहे थे, इसलिए चीन के ब्रेन प्रोजेक्ट पर किसी का माथा नहीं ठनका। लेकिन जल्द ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को चीन के ब्रेन प्रोजेक्ट के पीछे का खेल समझ में आ गया। ये जानकर अमेरिका के होश उड़ गए कि ब्रेन प्रोजेक्ट के जरिए चीन ऐसे कंप्यूटर चिप बनाने में जुटा है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी के दिमाग को अपने काबू में कर सकता है। और ये जानकर तो अमेरिका के भी होश उड़ गए कि ब्रेन प्रोजेक्ट के नाम पर चीन ऐसी तकनीक बनाने में जुटा है जिसे अगर चीन के सैनिकों के दिमाग में फिट किया गया तो उन सैनिकों के सामने आने वालों को लकवा मार जाएगा। बेसिकली एक कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो सर पे लगाते हैं, कुछ स्पेशल मटेरियल होता है उससे, और ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम एक मशीन के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो मशीन उसको एम्पलीफाई करती है और जिसको हम एक ग्राफ के थ्रू रीड करते हैं। देखिए EEG काफ़ी सालों से अवेलेबल है हमारे पास और ये एक्चुअली इसका जब तक कि हमारे पास CT स्कैन और MRI नहीं था ये ब्रेन की बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए एक काफ़ी अच्छा तरीका था क्योंकि और कोई तरीका उस समय था नहीं। और तो EEG से हम देखते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी कैसी है, खासकर देखने के लिए कि कोई पर्सन अवेक है यानी जगा हुआ है या होश में है या कोमा में है, या इसको अब आज की तारीख में जो उसका मेन यूज़ है वो बेसिकली फिट्स वगैरह को डायग्नोज करने के लिए, फिट्स की एक्टिविटी को देखने के लिए,
इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर और ब्रेन के इंटरफेस को ईजी के द्वारा जोड़ना, ये इट इज़ मतलब पॉसिबल तो है बट बहुत डिफिकल्ट लगता है। और कितना ये रियल सेंस में यूज़फुल होगा, कितना ये पेशेंट के लिए, अगर हम कहें कि पेशेंट के माध्यम से देखूं तो कितना यूज़फुल होगा, या किसी और माध्यम से देखें तो लगता है तो बड़ा हाई टेक साइंस लगती है, बट रियलिटी में इसका कितना यूज़फुलनेस होगी ये कहना बहुत डिफिकल्ट और मुश्किल है। सर्कस या जादूगरों के शो में आपने लोगों को सम्मोहित होकर गिरते देखा होगा। सम्मोहन करने की तकनीक का इस्तेमाल कई मनोचिकित्सक भी करते हैं और ऐसा संभव है, लेकिन कंप्यूटर चिप के जरिए दिमाग में तरंगे पैदा करना और उन तरंगों की मदद से किसी को लकवा ग्रस्त कर देना, इस बात का भरोसा करना भी मुश्किल था। लेकिन CIA ने जो सबूत जुटाए थे और चीन में ब्रेन प्रोजेक्ट के नाम पर जो कुछ चल रहा था उसे देखने के बाद अमेरिका ने दिसंबर 2021 में चीन की 12 संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया। इन संस्थाओं में बीजिंग की मिलिट्री एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस भी शामिल है जो ब्रेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अमेरिका को शक है कि ब्रेन प्रोजेक्ट के जरिए चीन की सेना दिमागी तरंगों के जरिए विरोधी देश के सैनिकों को लाचार बनाना चाहती है, और डर ये भी है कि इस तकनीक का इस्तेमाल चीन की सरकार वीगर मुस्लिमों और तिब्बती बौद्धों के खिलाफ भी कर सकती है। जो चाइना है वो एक ब्रेन कंट्रोल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि इसको कैसे वेपनाइज किया जाए। वो ऐसी एक टेक्निक जो है बायोटेक्नोलॉजी बना रहा है जिसके साथ वो उसका जो दुश्मन है उसके ब्रेन के ऊपर कोई ऐसी जैसे बीम होता है जहां कोई जिसे कहते को रेज छोड़ देता है या कोई रेडिएशन ऐसी करे कि उसके ब्रेन को कंट्रोल कर रहे, उसको रिप्रेस कर ले ताकि वो एक कंफ्यूजन स्टेट में आ जाए और उसके ऊपर वो अपनी जो वेपनरी है वो फायर कर पाए। अभी अमेरिका और रशिया ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। चीन का जो प्रोजेक्ट है उसका जो बेस है रिसर्च का वो है नर्व्स। आपके दिमाग के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, वो उनको लेकर उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका आ जाता है। अमेरिका का जो प्रोजेक्ट है इन चीजों को आगे करने का उसको कह रहे हैं वो P300 BCI। BCI का मतलब ये निकलता है कि ब्रेन और कंप्यूटर जो है उसको इंटरफेस कर दिया जाए, उसको आपस में इंटरफेस करके जैसे कोई आदमी इमेजिनेशन कर रहा है उस इमेजिनेशन की मैपिंग वो कैसे काम कर रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन चीन में वर्ष 2016 से ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। वर्ष 2019 में चीन की तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ब्रेन टॉकर नाम का एक चिप बनाने का दावा किया था जिसकी मदद से इंसान जो सोचता है वो कंप्यूटर पर अपने आप टाइप होने लगता है। चीन का दावा है कि ये तकनीक वो मस्तिष्क की गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद के लिए बना रहा है, और इस काम में चीन की बहुत सी स्टार्टअप कंपनियां भी जुड़ी हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हो सकता है उसका इस्तेमाल दुनिया में तबाही लाने के लिए भी किया जा सकता है। जबरदस्त दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि अगर आपने मेरे दिमाग में चिप कुछ डाल रखा है और अगर आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे दिमाग की बातों को पढ़ना चाहते हैं तो उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स किसी विशेष प्रकार के लोगों के पीछे पड़े होते हैं, तो दिखा दिया जाता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल में पाया जाता है। इफेक्टिवली कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट तो बहाना होता है लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इंसर्ट कर दिया जाता है चिप, ताकि उसके माध्यम से उनके दिमाग में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उनको पढ़ने का प्रयास किया जाए। तो आने वाले समय में मुझे लगता है इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है। खासतौर से मैं जब देखूं तो स्टेट एक्टर्स इसका दुरुपयोग कर सकते हैं प्रिजनर्स के प्रति,
जो लोग जेल में हैं उनके प्रति, या जो लोग आपकी कंट्री से बाहर आए हैं, आपकी कंट्री में आ गए हैं विदाउट ऑथराइजेशन, उन पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्विक्ट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है पूरी तरीके से, किसी को नहीं पता कि ऊँट किस ओर करवट लेगा, तो इसलिए हर व्यक्ति, हर सरकार अभी इसमें शोध कर रही है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है, लेकिन दुरुपयोग होने की संभावना काफी हो सकती है। चीन चाहे जितनी भी सफाई दे, लेकिन अमेरिका को यही लगता है कि चीन अपने सैनिकों को चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सुपर सोल्जर बनाना चाहता है। अमेरिका को ऐसा लगता है तो ये शक बेबुनियाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका से बेहतर कोई नहीं जानता कि दिमाग को कंट्रोल में करने से ज्यादा घातक हथियार नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका ने दिमाग में चिप फिट करने के चीन के जिस प्रोजेक्ट पर बवाल मचाया, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई। आज भी अमेरिका की एक लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्तिष्क वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ऐसे चिप बनाने में जुटी है जो उसके सैनिकों की सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्री को जगा सके। इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की संस्था डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बेशुमार पैसा फूंक रही है। दिमाग में फिट एक ऐसी चिप जो आसमान में उड़ते सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल करे। एक ऐसी चिप जो दिमाग से निकलने वाली अनदेखी तरंगों की मदद से रोबोट को अपना गुलाम बना दे। एक ऐसी चिप जिससे निकलने वाली तरंगें बारूदी सुरंगों को सूंघकर सैनिकों को अलर्ट कर दे। इस कल्पना को अमेरिका अब साकार करने में जुटा है। नए हथियार और सैन्य तकनीक पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की संस्था DARPA यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कई दशक से इस उधेड़बुन में थी कि सैनिकों को बारूदी सुरंगों और छिपे हुए हथियारों से कैसे बचाया जाए। साल 2012 में DARPA ने औपचारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसका नाम रखा गया P-300। अब इस प्रोजेक्ट पर कैलिफोर्निया के मालिबू में HRL लेबोरेटरीज में काम चल रहा है। इस लैब में न्यूरो साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट ऐसी चिप बनाने में जुटे हैं जो हर तरह के खतरे की पहचान करके दिमाग को एक सेकंड के 300वें हिस्से में अलर्ट कर सके। इस प्रयोग में दिमाग की जांच करने वाली EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम तकनीक की मदद ली जा रही है। P300 वाली जो प्रोजेक्ट था, बेसिकली एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है जो ब्रेन कंप्यूटर मैपिंग टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करती है। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया क्योंकि वो एक अच्छा सरल तरीका माना जाता है जिसके माध्यम से आप ब्रेन मैपिंग को ज़्यादा इफेक्टिव कारगर स्वरूप दे सकते हैं, और उसको आधार बनाते हुए आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन अभी कोई फाइनलिटी से नहीं कहा जा सकता कि ये टेक्नोलॉजी क्या मेन स्ट्रीम में इस्तेमाल की जाएगी या नहीं की जाएगी। और अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से विकसित हो भी गई तो कहीं ना कहीं इसको नियंत्रित करने के लिए आपको कानूनी प्रावधान लाने होंगे, क्योंकि जो वर्तमान कानून है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि कभी टेक्नोलॉजी ने सोचा ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे और उसके बिहाव पर आप आगे कदम उठा पाएंगे। जानकार मानते हैं कि जब भी हम किसी खतरे को देखते हैं तो दिमाग में अलग तरंगें उठती हैं, लेकिन इंसान उन्हें तुरंत नहीं समझ पाता। अमेरिका की DARPA उन्हीं तरंगों को EEG की मदद से नोट करने और चिप की मदद से उनका मतलब सैनिकों को समझाने की तकनीक खोज रही है। अमेरिका ने भी इस सैन्य प्रोजेक्ट को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ही बताया है। तो लगता है सिक्स सेंस बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है। जो जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं आप बताऊंगा कि जो मेरी इतने साल की मेहनत का निचोड़ है मेरी सिक्स सेंस,
और एक सोल्जर है जो उसको अगर जहाँ पे वो बैटल ग्राउंड में है, तो एक वेटरन जो है उसको पता है कि अगली सिचुएशन में क्या होने वाला, क्या एक्सपेक्ट करता है, तो वो एक सिक्स सेंस है मेरे ख्याल से। तो मैं इसको एक निचोड़ में यही बोलूँगा कि ये हमारी एक्सपीरियंस है। सिक्स सेंस अभी पूरी तरीके से साइंस पॉइंट आउट नहीं कर पाई है कि किस तरीके से होती है। हाँ, ये बात सही है कि आपको एक आवाज़ अंदर से आती है, सिक्स सेंस होता है। वैसे अगर आप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देखें तो एक भारतवासी हैं जो अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी कंपनी उन्होंने स्थापित की है जिसका नाम ही सिक्स सेंस है, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिक्स सेंस को पूरी तरीके से डिस्कवर करके और डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर है। मुझे लगता है जैसे जैसे अगर आप ब्रेन के सिग्नल्स को पढ़ पाएंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो सिक्स्थ सेंस को भी कहीं ना कहीं आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसको पकड़ पाएंगे, उन सिग्नल्स को आप कैप्चर तो कर पाएंगे। अब किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाएंगे कि हमारे कंप्यूटर हमारे सिक्स्थ सेंस की संदेश को इंटरप्रेट करें, एनालाइज करें और सही तरीके से प्रस्तुत करें, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। अमेरिका ने पहले सैनिकों के दिमाग में कंप्यूटर चिप फिट करने के बारे में ही सोचा था, लेकिन सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध के दौर के एक भूत ने अमेरिका को अपना प्लान बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए अब वो सैनिकों के लिए ऐसा हेलमेट बनाने में जुटा है जो ईईजी मशीन और सुपर कंप्यूटर का साझा अवतार होगा। उसे लगाने के लिए ब्रेन सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा बवाल भी नहीं मचेगा जिसने 1970 के दशक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिका की सरकार को इंसानियत की निगाह में खलनायक बना दिया था।